होंगे एकदम सुपर, मजा आ गया। दोनों की दोनों छुपे हुए हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और मैं आज जा रहा हूँ मामा जी के घर और वहाँ से जाऊँगा नांगलवाड़ी। तो आज का व्लॉग आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो बने रहे पूरे व्लॉग के साथ। तो अभी हम निकल रहे हैं, मम्मी नीचे तैयार हो रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो आपको आज का पूरा व्लॉग देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। मैं 9 बजे तक चाय नहीं पीवा रही, अभी तक चाय नहीं पी। अब सारा मारी शकल देख कैसी दिख रही। मम्मी भी तैयार हो गई, पर्स और से टांग ले आई है, बहुत बड़ा। तो अब जा रहे मामा के घर, तो चलिए मिलते हैं। I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words, oh no. So keep my mouth shut and not listen, afraid I lose you if I didn't. पर ये पीछे मामा जी का घर है और इधर ये देखो, ये चीकू का पेड़ है पीछे, बहुत जंगल पूरा है, पर फल फ्रूट वगैरह। और उधर बुआ जी और मामा जी बैठे हुए हैं कि आप यहाँ पर ये पूरे टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, अभी तो छोटे छोटे हैं। और इधर मामा के दूसरे मामा जी के यहाँ पर ककड़ी लगा रखे हैं। हम लोग ककड़ी के खेत में आ गए, सब दूर ककड़ी ककड़ी। चलो एक तोड़ के देखते हैं, खाने के लिए मैं तोड़ूंगा। यहाँ पे कहीं होगी ढूंढी, ये रही मस्त एकदम ताजी ककड़ी। मामा जी का लड़का छोटू और मैं ताजी ककड़ी भी ककड़ी तोड़ के खा रहा हूँ। एकदम सुपर, मजा आ गया। मतलब कि ताजी अपने हाथ से तोड़ के खाओ। हाँ हाँ, मार्केट में जिस तरीके की ककड़ी मिलती है उस तरीके की ककड़ी कई मज़े नहीं आते जो अभी यहाँ पे ताजी तोड़ के। अभी बहुत सारी ककड़ियाँ वहाँ पर तोड़ रहे हैं। और क्यों, कब कब टूटती है? तीसरे दिन कितनी टूट जाती है एक दिन में? 10 क्विंटल के आसपास। 10 क्विंटल एक दिन में? वाह यार, 10 क्विंटल हर 3 दिन में, 3 दिन में 10 क्विंटल के लगभग तोड़ लेते ककड़ी। राम राम, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स ब्रो। और ये इधर कौन, ये इधर ककड़ियाँ तोड़ तोड़ के डाल रहे, अभी तोल रहे इधर कांटे में, इसमें डाल रहे इतनी सारी। अभी तो बहुत सारी तोड़ना बाकी है। कितने दिन से चालू हो गई? 1 महीना हो गया। होते वाह यार, यहाँ से खा सकते हैं कि वहाँ से खाना पड़ेगा? सब कैसे खाओ एक दो। तो ये यहाँ से ककड़ियाँ उधर ख़त्म हो जाती, इधर करेले लगा रहे और वहाँ भैया दवाई छीट रहे हैं करेले में। राम राम, ये भैया इधर दवाई छीट रहे हैं करेले में। क्या करेले चालू हो गए? करेले चल रहे कि ककड़ी? ककड़ी, करेले ककड़ी दोनों। वाह यार, इधर ककड़ियाँ पूरी लगा रखी वहाँ से वहाँ तक। और इधर मिर्ची है, ये इधर मिर्ची बड़ी बड़ी हो गई, अभी यहाँ पे लगने वाली है। ये तो छोटे छोटे पौधे हैं। अच्छा, थोड़ा बन जाएगा इसका, ये जो छोटी छोटी दिख रही कि नहीं, ये हाँ, ये 15 से 20 रोज में टूट जाएगी। I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words, oh no. So keep my mouth shut and not listen, afraid I lose you if I didn't. सिटी में तो वही पुरानी, 15 दिन पुरानी भी वेयरहाउस वाली। आओ, ताजी खाने का अलग ही स्वाद है। चालू हो गए है ये, अभी कल तोड़ेंगे इसको। अच्छा, कल की तारीख में टूटेगा ये। हाँ, माल ये कितने निकल आते एक दिन में? ये 4th रोज टूटते हैं। अच्छा,
एक चास में कम से कम 60 किलो के आसपास एक तोड़े में। अच्छा हाँ, 60 से 70 किलो। तो टोटल कितना क्या निकल आता होगा? ये 8 से 10 क्विंटल एक दिन का। नहीं फिर 8 रोज में। 8 रोज में। वाह यार, मेहनत भी बहुत लगती है। करता ही करता है। हाँ। पर भाव यहाँ से सब पूरा पानी पहुँचा देते। पानी ही सिस्टम, वाल सिस्टम है ये, सब दूर पानी जाता पूरे खेत में। और यहाँ से खाद भी छूटता है। अच्छा, खाद भी जाता। टॉनिक एकदम फ्रेश ताजा माल, खाने में मजा आ जाए। क्यों भैया, ये सब ककड़ियों को इस पॉलीथीन में इस तरीके से पैक कर रहे हैं और अभी इनका तोल लगाएंगे और इसके बाद इनको मार्केट में सप्लाई कर देंगे। ढेर ये है, एक ढेर वो पड़ा है और अभी और तोड़ रहे हैं मजदूर वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे खाना खाएंगे। और ये पवन इधर बैठा हुआ है और इधर ककड़ी डाल रहे हैं। इधर तो बर्थडे बॉय आपको कैसी लग रहा है? आनंद आ रहा है और क्या। आज तो बर्थडे बॉय से भी काम करवा रहे। आज इसका ढंग से बर्थडे मन रहा। ट्रैक्टर तो जा रहा है, छोटू लेके जा रहा है, हम तो जाएंगे अब पैदल। सामने इधर बादशाह और भैया जा रहे, सावन भैया और पवन भैया हमारे साथ चल रहे। आपको घर का व्लॉग भी बना के बताऊंगा। बिल्ली के बच्चे आजा। एक ये छुपा हुआ है, ये रहा। दोनों के दोनों छुपे हुए हैं यहाँ पे। छुप जा, चलो चलो चलो। ये मेरे मामा जी का घर, देखिए वाला। और इधर मम्मी बैठी हुई, इधर बुआ जी सोए हुए हैं। छोटा सा बच्चा है। जी पूरा बता इसको। कितने दिन हो गए इसको? ये एक दीदी हमारे, हाय करो। कौन से? लड़का लड़का ये मामा जी का। अरे टी शर्ट तो पहन लगा रहे। अरे लगाओ 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 चश्मा। क्या देखो तो कितनी स्मार्ट लग रही। देखो कितने अच्छे दिख रहे। मेरी फोटो भी आ गई है। मामा जी बैठे हुए पीछे, ये इनके भाई बैठे हुए, हमारे भाई उधर। मम्मी जी यूट्यूब पे आई। और ये मामा जी की लड़की है दीदी, और ये उनका लड़का है चड्डी में घूम रहा। गाइस मैं आपको चीकू का पेड़ दिखाता हूँ। ये मेरे जस्ट पीछे चीकू का पेड़ है और इस पर फल भी लगे हैं। शायद मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा एक लगा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े बहुत सारे लगे थे तो वो सब अभी ख़त्म हो गए हैं। ये वाला देखिए, ये वाला एक लगा हुआ है और ऐसे और भी लगे हैं छोटे छोटे, अभी बहुत सारे लगे हैं। पहले बहुत सारे थे, बड़े बड़े थे। ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा लगा हुआ है चीकू, ये वाला। तो इस तरीके से लगते हैं, बहुत सारे लगे थे, अभी तो ख़त्म ही हो गए। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो मेरे ऊपर एक पेड़ दिख रहा है ना, ये रामफल का है। इसमें रामफल लगते हैं, जो सीताफल के जैसे ही रहता है पर थोड़ा सा टेस्ट में अलग रहता है। तो ये रामफल का पेड़ है और बहुत टेस्टी लगता है इसको। यहाँ पर हमारे यहाँ पर रामफल बोलते हैं, अब आपके उधर पता नहीं कुछ और बोलते होंगे। मामा जी का घर मेरे यहाँ से कितना एकदम हरियाली चारों तरफ। ये नहा रहे हैं इधर बच्चे अभी खेत में से आए। और इधर सब ये सीताफल के पेड़ हैं, ये बादाम का पेड़ है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ से दूसरा व्लॉग स्टार्ट करना है। हम लोग अब जाने वाले नांगलवाड़ी, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा अच्छे से। वहाँ पर एक मंदिर है भिलड़ जी का, तो हमारे इधर प्रसिद्ध मंदिर है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, उसमें मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, आप देखिएगा उस व्लॉग को भी। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।